4 साल तो मेरे मुंडे ना रिलेशन आ, 3 महीने तो मैं प्रेगनेंट आ। मुंडे मैं किया वा जो तो मुंडे ने मेरा साथ छाड़ दिता। मुंडा मेरे ने 4 साल तो रह रहा वा। ज्यादा वो करना चाहनी ना, मैं करवाना नहीं चाहती। ठीक है, ओनू लेके आ जाओ। ठीक है, करण ठीक है, बह के नबेड़ लो। मैं ले परचा रो कर लनी आ। नंबर लिखाया इन्हें ही तोड़े भरा का नंबर लिखाया। ठीक है, लुधियाणा के जवाहर नगर में एक गर्भवती प्रेमिका ने अपने आशिक के घर के बाहरी धरना लगा दिता। प्रेमिका के मुताबिक वह उसका आशिक पिछले 4 साल तो पति पत्नी वांग रह रहे हैं और वह 3 महीने की गर्भवती भी है, जबकि उसका आशिक किसी होर नाल विआह करन जा रहा है। बस फिर किसी प्रेमिका पहुँच गई अपने प्रेमी के घर के बाहर, पर परिवार वाले ने प्रेमिका नूं प्रेमी नाल मिलन ही नहीं दिता ते प्रेमी ने भी उसका फोन नहीं चुकया। इस मौके ते उसकी प्रेमिका ने कहा कि उसका प्रेमी चुप चुपीते ही विआह कराउण लग्या है। 4 साल तो मेरे मुंडे नाल रिलेशन आ, 3 महीने तो मैं प्रैगनेंट आ। मुंडे नूं मैं किया वा जदों ते मुंडे ने मेरा साथ छाड़ दिता। मुंडा मेरे ने 4 साल तो रह रहा वा ते जदों मैं उन्हें कहा मैं प्रैगनेंट आ, उन्हें मेरा साथ छाड़ता। उन्हें मैं जिन्ना पैसा कमाया मुंडे नूं दिता ते इत्थे तक मैं बहुत कुछ मुंडे नूं दिता वा। तो हुण मुंडे नूं जदों मैं कहा मैनूं अपने घर रख ला कि मेरे अपना कोई फैमिली नहीं कि तेरे पिछे मैं अपनी सारी फैमिली छड्डी, मेरे फैमिली ने मैनूं छड्डिया वा, तो मुंडा मैनूं एक्सैप्ट नहीं कर रहा। यही समझ लो, तुसीं यही समझ लो, मेरी जगादरी हुई सी। हाँ जी, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਓ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਤਾ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜੋਗੀ। अपने मुंडे ने साफ क्लीयर दस्या सी कि मेरी फ्रेंड है। उन्हें अपनी मम्मा ने भी दस्या सी, अपनी भैन ने भी दस्या सी। मेरी कोई मंग नहीं है, मेरी सिर्फ यही मंग है मैं वो मुंडे दे नाल रहना वा। मेरा तलाक चल रहा है, उन्होंने तलाक चल रहा है मेरा। एक मिनट रुक लो, मैं बहुत ज्यादा सोच हो रही हूँ। घरे बैठे हो, पहले इतने थाने आए सी? हाँ जी, मैं वड्डी हब्बोवाल थाने आई सी। इतने मेरी सुनवाई नहीं हुई, फिर मैं अपने कमिश्नर दफ्तर दे पेश हो गई सी। तो उन्होंने इन्हों कोल की, इन्होंने ता भी नहीं मेरी सुनवाई की, फिर इस करके मैं घर बैठी मुंडे दे जाके। हाँ जी, कितने दिन बैठे रहे? मैं उन्होंने घर 3 दिन बैठी रही बाहर। 3 दिन? हाँ जी। कोई उन्होंने फैमिली नहीं? नहीं जी, ना उन्होंने फैमिली का बाहर कोई नहीं आया। जीजा बाहर आया सी, कहिंदा जो मर्जी कर ला, जो मर्जी ना कर, असी बहुत पावर ला चुके हैं, असी आप ही रुपया चढ़ा के जो करना असी मुंडे नूं कर लांगे। प्रेमी की भैन ने औरत ते इल्जाम लगाया कि वह मेरे भरा नूं ब्लैकमेल कर रही है अते पैसे की मंग भी कर रही है। प्रेमी की भैन ने कहा कि उक्त औरत पहला ही व्याही हुई है अते उसके 2 बच्चे भी हैं। इस संबंधी प्रेमी की भैन दे वल्लों गर्भवती महिला नाल फोन ते गलबात भी की गई। ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਸੰਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
हेलो किथे आना ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਤੇ ਫਸਾਈ ਤੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵੇੜ ਲਓ ਮੈਂ ਲੈ ਪਰਚਾ ਰੋਕ ਲੈਣੀ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਖਰਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਕੌਣ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੀਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਇਆ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਮੈਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਘੁੱਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇੜ ਲਓ मेनू की प्रूफ जे तू पहले घर वाले नाल टिकी तां तू मेरे भरा नाल टिक जाएगी तोमता नहीं ला रही मैं सच्चाई दस रही हूँ इल्जाम लांदी पई है कि ये बच्चा मेरे भरा दा वा पर सानू पता नहीं मेरा भरा बाहर की करदा की नहीं करदा पिया कि असीं अपने घर रहिंदे आ असीं बच्चे दी कोई देख नहीं सकता की कर रहा कोई की नहीं कर रहा यह साढ़े तो इल्जाम ला रही है बच्चा हाडा मुंडे का वा यह जनानी अडल्ट है किन्ने मुंडे लैके आ रही है साढ़े घर कभी कोई मुंडा लैके आ रही कभी कोई मुंडा लैके आ रही है मैनू धमकिया भरे मैसेज भी भेजती पी है कि तुम मैनू पैसे की मंग कर रही है पैसे दो नहीं तो मैं नहर से छाल मार के मरन लगी हाँ सारे सबूत मेरे को पे हुए ने इस कुड़ी के खिलाफ हूँ इन्हें अच्छ सवेरे मेरे घर वाले भी चुका दिता सवेरे 6 बजे तो उन्हें पुलिस चुक के लै गए हुए थे ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਿੰਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਹੈਬੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ
उस नाल लिविंग रिलेशन विच रह रहा सी अते गर्भवती होण ते उसनू छड्ड के भज गया। थाना मुखी ने कहा कि असी औरत दे बयान दर्ज कर ले हन अते जांच तो बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी वह की जाएगी। जवाहर नगर के विच किसे एक घर दे बाहर धरना ला के बैठी सी भी मैनू इंसाफ दी मांग ए रिया नाम की जनानी है जी, उम्र यदि हैगी 32-33 साल, पहला अशोक कुमार ना ब्याही सी, दो बच्चों की माँ है। हूँ यह 4 साल तो करण कुमार मुंडा जी उम्र हैगी है करीब 25-26 साल, उहदे नाल यह लिविंग रिलेशन रह रही है। हूँ ये दसण मुताबक 6-4 नूं साडे कोल आई सी, एप्लीकेशन दे के गई सी भी मेरा जिहड़ा अशोक कुमार मैनूं छड्ड के भज गया। असीं उहनूं 2-3 वारी तलाश की पर वह नहीं मिलिया, तो अज यह जनानी जी साढ़े को आई है, आप बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह बयान लिख के जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी जी। हाँ जी, ब्याह की मांग कर रही है, तो कहती भी मैं प्रैगनेंट हाँ, तो मुंडा जिहड़ा मेरे होने वाले बच्चे का बाप है, तो मुंडे नूं असीं बुलाया सी, मुंडा अजे तक अपने को नहीं आया, हुण लड़की साढ़े को आई है, इहदा मैं बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, बयान रिकॉर्ड करके बयान के आधार पर जी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, सानू यही पता लगे पहला यह एज ए भैन भाई वो मिलती रही है, तो बाद जिन्हें दसिया भी आ सिस्टम है कुछ नहीं, साढ़े को बारे कोई इनफॉरमेशन नहीं जी, तो ना ही सानू ये बारे कोई इलम है। बस आप बयान लिख के आधार पर जी कार्रवाई बनेगी जी, IPC आपको दिता है, जो जुर्म बनेगा उस हिसाब से कार्रवाई कर देंगे जी। इस मामले की पूरी सच्चाई की है तो पुलिस की जांच तो बाद ही सामने आएगा। एवन पंजाबी TV लई लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फी रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोडे भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस तरह इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियों तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुम सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ, और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।